नमस्ते, हेलो सर, कैसी हैं आप? कहां से बोल रही हैं? नमस्ते कहां से बोल रही हैं आप? सर। मैं तो वेस्ट बंगाल से बिलोंग करती हूँ, लेकिन मैं चंडीगढ़ से बात कर रही हूँ अच्छा, पूछे क्या सवाल है आपका? सर। मैं चंडीगढ़ से बात कर रही हूँ हाँ जी, अपना सवाल पूछ सर। रही मेरे को पिगमेंटेशन है सर। पहले मैं बता देती हूँ, मेरी हिंदी में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, मैं बंगाली हूँ अच्छा। सर। 1.5 साल हो गए मुझे पिगमेंटेशन है। एक्चुअली है ना, 1 साल पहले गोल्ड ब्लाडर, 1.5 साल पहले गोल्ड ब्लाडर के स्टोन हुई थी, तो उसके बाद से थोड़ा हल्का हल्का यहाँ दिख रहा था। अच्छा, तो पिछले साल तो मैंने 4 महीना आलू घिस घिस के साफ किया, लेकिन अरे वो बाप साफ रे लाइट हुआ था। अच्छा, आलू से क्या हो जाएगा? आलू बर्बाद कर दिया आपने। हाँ जी, मैं कहा आलू बर्बाद कर दिया आपने, आलू घिसने से क्या हो जाएगा? पता नहीं सर, ऐसे YouTube में वीडियो देखा तो सभी ऐसे बोलते थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। इस साल इतना ज्यादा दिख रहा है सर, बहुत ज्यादा। लेकिन मैं आपको फॉलो कर रही हूँ, 1 महीना हो गए और मेरा बहुत लाइट हो गया। एक साइड तो पता नहीं आपको दिखेगा नहीं शायद, इस तरह मेरे को लाइट हो गया। बस यहाँ पे है सर, यहाँ और यहाँ पे ना डॉट 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 सा है। अच्छा, तो 1 महीने में क्या क्या किया है आपने, बताएं जरा जरा। 1 महीने में मैं तो सुबह उठ के पहले मैं आधा घंटे वॉक करती हूँ, गर्म पानी पी के 2 ग्लास। अच्छा उसके बाद मैं एक एप्पल खाती हूँ, फिर मैं 1-1.5 घंटे बाद मैं सर चाय पीती हूँ। नहीं रह जाता चाय के बिना। कोई बात नहीं, पियो चाय, बिल्कुल पियो। उसके बाद सर मेरे को नाश्ता करने में मेरे को लेट हो जाता है। 11 बजे तक मैं नाश्ता करती हूँ, लेकिन ओट्स वगैरह लेती हूँ। जैसे ओट्स में मैं एक डेट डालती हूँ, एक बनाना, फ्लैक्स सीड और ड्राई फ्रूट अच्छा और दूध डाल के, तो ये अच्छा मैं ये लेती हूँ। उसके बाद मैं 1.5-2 घंटे बाद मैं एक संतरा, अच्छा फिर उसके बाद मैं लंच में सलाद लेती हूँ सर। बहुत ज्यादा बहुत सलाद लेती चलो चलो, किसी ने हूँ। किसी ने तो बोला कि बहुत ज्यादा, नहीं तो लोग कहते जी खाया नहीं जाता हमसे, लोग एक्सक्यूज बड़ा देते हैं। नहीं सर, मैं लेती हूँ बहुत बहुत ज्यादा। आपने बाउल में, मेरा तो बहुत बड़ा थाली भर के मैं अकेले ही खाती हूँ। और एक रोटी खाती हूँ, ज्यादा नहीं खाया जाता है। एक रोटी और कोई सब्जी हो गया, जो भी दाल जो भी हो गया वो लेती हूँ। उसके बाद मैं शाम को 5-5:30 बजे मैं एक मुट्ठी ड्राई फ्रूट, आपने बोला एक मुट्ठी तो मैं एक मुट्ठी लेती हूँ। और उसके बाद फिर चाय चाय ले लेती हूँ, फिर शाम को और कुछ नहीं। फिर रात को मैं फिर सलाद, इतना ही सलाद खाती हूँ। और मैं सर अंडा मैं रात को खाती हूँ ज्यादातर। अच्छा ठीक है, कोई बात, बॉइल करके मैं रात को अंडा लेती हूँ। और फिर दो मल्टीविटामिन मैंने ब्रेकफास्ट के बाद, और ओमेगा 3 मैं रात को डिनर के बाद सर। वेरी नाइस वेरी नाइस। हाँ, 2 घंटे बाद डिनर के 2 घंटे बाद मैं दूध लेती हूँ फिर। अच्छा, बस थोड़ा सा मुझे एक जो कमी लगी कि थोड़ी सी प्रोटीन का कंटेंट बढ़ाएं अपनी डाइट में, ठीक है? हाँ जी सर, कोई भी प्रोटीन जो मैंने बता रखा आप ले लो, एक ही स्कूप लेना आपको, जब मर्जी आप ले लो, थोड़ा सा प्रोटीन अच्छा। बढ़ा दो आप, बाकी आप सब सही जा रहा है आपका। और आई एम श्योर के ये 1 महीने में इतना रिजल्ट मिल गया तो जल्दी और भी मिल जाएगा आपको, ठीक है जी? ओके सर, फिर मेरे को ये पूछना है आपसे ना, कि वो जो आपने, मैंने किसी का वीडियो देखा था तो बोल रहे थे कलर लगाना मना है सिर पे, मतलब निजड़ पे नहीं जाना चाहिए, तो सर कलर नहीं लगा सर, मेरा बाल चिपका है आगे आगे का। कोई बात नहीं, देखिए आप, अगर आपकी डाइट अच्छी है ना, आप वर्कआउट भी कर रही हैं, तो कोई बात नहीं, आप लगाएं। लेकिन कोई भी कलर लगाते हैं तो थोड़ा ना अच्छा क्वालिटी का कलर लगाएं, क्योंकि देखो केमिकल्स तो है ही, जितनी क्रीमें लगाओगे, जितना केमिकल लगाओगे वो आपके अंदर तो जाएगा जाएगा ना, नुकसान उससे होगा। सर मेरा फेस पे बहुत ग्लो देता है सर, बहुत ज्यादा ग्लो आ रहा है मेरे फेस पे। और बार बार मैं ना बैक कैमरा जो होता है मोबाइल का, उससे फोटो खींचती हूँ, मैं देखती हूँ उस पे दिखता है कि नहीं, क्योंकि सेल्फी में तो कुछ दिखता ही नहीं है, पता नहीं चलता। बैक कैमरा से मैं फोटो खींचती हूँ सर। देखिए आपकी जो पॉजिटिविटी है ना, ये बरकरार रखें, 1 महीने में इतना रिजल्ट मिल गया तो 6 महीने में तो सब लोग ऐसे करेंगे आपको, इतना चमकेंगी आपकी चेहरा सर। मेरे फेस पे ना पहले कुछ भी नहीं था, 1.5 साल के बाद, 1.5 साल से ऐसे हो गया, जैसे ऑपरेशन हुआ गॉल ब्लैडर की ना, उसके अच्छा। बाद से ऐसे हो गए। चलो कोई बात नहीं, देखिए जिंदगी में मुश्किलें तो आती रहती ना, कोई बात नहीं, आप ऐसे ही फॉलो करती रहें, खुश रहें, बस एक प्रोटीन ले लें। कोई भी मेरा YouTube का वीडियो देखेंगे, नीचे मैंने लिंक दे रखा, प्रोटीन ले सकती हैं, ठीक है जी? ओके चलिए सर, अच्छा एक बार लगा। पूछ ले सर। हाँ ओके सर, मैं बिस्किट ले सकती हूँ कोई भी? देखिए अगर आप मेरी पूरी डाइट फॉलो कर रही हैं तो कोई बात नहीं, बिस्किट भी एंजॉय करें, कोई चक्कर नहीं, नहीं सर मैदा रहता है ना ज्यादातर बिस्किट में, इसीलिए पूछ रही। हाँ मैं तो कहता हूँ अवॉइड करो बिस्किट, लेकिन कभी कभार चाय के साथ ले सकती है, कोई दिक्कत नहीं, बस डाइट फॉलो करो प्रॉपर जो मैंने बताई, ठीक है?
चलिए बहुत अच्छी बात है, एक्सरसाइज करती हैं, चलिए किसी और को लेते हैं।